287% लोगों ने जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर वोटिंग डाली थी कहा था कि मुझे रॉयल एनफील्ड लेना चाहिए, तो यार आपकी बात मैं कैसे डाल सकता हूँ। ले लिया मैंने आपकी पसंद की बाइक और ये मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इस बाइक को खरीदने के लिए जाने वाले हैं राम बिहारी जी, और वो अपने अंदाज में कैसे बाइक खरीदने वाले हैं तो आपको पता ही है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर आपको मेरे ऐसे ही व्लॉग्स देखने हैं मेरी नई बाइक पर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरा व्लॉग कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो फिलहाल चलते हैं एक नई राइड पर। दोस्तों, बिहार में बाहर आप सभी को नमस्कार। वाह, आपको तो पता है ना, हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें हमने आपसे कहा था कि हमको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो हम एक जो है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जा रहे हैं, और हमारा मूड भी बहुत अच्छा है। हम सोच रहे हैं हम ढेर सारी जो है उनसे बातें करेंगे, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करेंगे, और हम आ गए हैं जहाँ पर ये मिलती है। भाई साहब, बिहार में बाहर बा, आपका नमस्कार बा, कैसे हैं? नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानु है। भानु जी, हाँ जी, ये बुलेट का है कहते हैं, जो आपकी जो साइकिलें हैं का है, ये गोली की तरह जाती है इसलिए बुलेट कहते हैं इसको। अबे साले, तो इसमें राइफल कहाँ है? राइफल भी देंगे कहाँ? राइफल के जाती है कहाँ पर है, जरा दिखाइए तो सही। ये दिखा देते हैं हम आपको। ये तो बहुत सारी है यहाँ पे, एकदम दुकान लगा रखी है आपने जी। बिल्कुल, पूरी दुकान लगाई हुई है आप ही के लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आइए आइए दिखाते हैं। रॉयल एनफील्ड की सबसे अच्छी बाइक ये देखिए, ये सबसे अच्छी मोटरसाइकिल है ना? ये सबसे अच्छी मोटरसाइकिल है। अच्छा, हाँ जी, बहुत ही लाजवाब शानदार लग रही है, एकदम चमक मार रही है। बिल्कुल, पूरी चमकेगी, लाइफ टाइम चमकती रहेगी। अरे वाह, क्या बात है। तो भानु जी, सबसे पहले तो जरा हमारे जो व्यूअर हैं उनको नमस्कार कह दीजिए आप। नमस्कार जी। अब हमें बताइए कि ये हमें खरीदना है, इसको कहाँ तक है? इसको मोटरसाइकिल कहते हैं। मोटर कहाँ है? मोटर पानी निकालने वाली मोटर रहती है वैसे ही, वो मोटर हमें दे दीजिए, हम अपनी एटलस में लगवा लेंगे। 1200 रुपए की खरीदी थी हमने, उसमें नहीं लग पाएगी। क्यों? ये थोड़ी अलग है। हमें इसके बारे में बताइए, तनिक का है, कैसे चलती है, इसका का है तरीका का होता है? इसमें चाबी ऑन करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद ये दो चाबी का है, कौन है, एक खराब है का? नहीं, दोनों सही है। फिर एक घर रखने के लिए है। तो घर पे कहाँ रखते हैं? अगर एक हो जाए तो दूसरी काम आती है। एकदम हवाई जहाज जैसी आवाज है इसकी, तो भाई साहब भानु जी कमाल हो गया। और हमें हवाई जहाज की जैसी है। अच्छा, तो इसके पंख कहाँ है? ये बिना पंख के उड़ती है। तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। ये मोटर है? हाँ जी, ये मोटर है इसकी। बहुत गर्म है। तो बहुत गर्म है, अभी चल के आई है। तो इतनी गर्म का है, खराब तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये गर्म ही होती है, चलने पे गर्म होता है। अबे साले, खराब नहीं है ये गर्म होकर चलती है। बहुत गर्म है ससुरी, इंजन जब गर्म होता है तभी चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, कैसा भी के हमारा पैर जल जाए इसमें, पैर रखे तो नीचे रखना होता है। कहाँ नीचे, जमीन पे? ये पैर रखने का है या पैर? अच्छा, भी है इसमें पैर रखने का। तो अगर ये इतना गर्म रहता है, इस पे खाना पका सकती है क्या राम प्यारी? हाँ, खाना पका सकते हैं आप बिल्कुल। इस पे इतना गर्म है, रोटी ऐसे करके मार देंगे, और अंडा बन सकता है, अंडा मारेंगे। अंडा नहीं पकेगा। कहा है? क्योंकि ये वेजिटेरियन है। ओ, ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी है हमारी तरह। कुछ भी, चलिए और बताइए हमें जरा इसके बारे में। पंचर भी नहीं होती है? पंचर नहीं होती, पहिया नहीं है का इसका? पहिया है इसमें, इसमें ट्यूब नहीं है। ट्यूब नहीं है, ट्यूब दीजिए हमें। नहीं, ट्यूब नहीं है, ट्यूब देंगे तो पंचर हो जाएगा। ट्यूब तो लगी होती है ना ऊपर, कहाँ? इसीलिए ट्यूब अलग आती है। तो वो ट्यूब हमें दीजिए। नहीं, फिर पंचर हो जाएगी। ट्यूब हमें देंगे तो पंचर हो जाएगा, तो हमें पैसे कम कर दीजिएगा इसके। पैसे ज्यादा नहीं देंगे हम, ट्यूब नहीं दोगे तो। हमें बात बताइए, हमारी गैया रही
वो जब चलती है तो गोबर करती है, ये गोबर करेगी का? नहीं, ये गोबर नहीं करती है। तो ये चलती रहेगी बिना गोबर के? बिना गोबर के। तो कैसे चलती कैसे है? इसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? पेट्रोल डालना पड़ता है, जैसे गैया को चारा खिलाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वैसे इसमें भी पेट्रोल डालना पड़ेगा। हम इसमें दूध डाल दे तो लग गए, नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, हमारा दूध पी के तो दुनिया ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। ये बिना दूध वाली है, दूध नहीं पीती है? नहीं, ये दूध नहीं पीती है ये। अरे कहना क्या चाहते हो? बत्ती कहाँ से आती है इसमें? मोटर में से आता है। मोटर में से बत्ती आती है? हाँ। हमारे घर के पीछे जनरेटर लगा है, उसमें दे देगा बत्ती, बड़ी हो जाएगी का? इसकी बड़ी हो जाएगी। हम कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? बैठ तो दो सकते हैं, बाकी तीन भी बैठा सकते हैं। हमारे घर में राम प्यारी है, ललवा है और पेलवा है, हम सबको बिठा के चला सकते हैं। हम पीछे सीढ़ी लगा देंगे इसमें, सारे लोग बैठ जाएंगे। ये अगली बत्ती बड़ी है और ये पिछली बत्ती छोटी है, ऐसा काम? आगे से दिखेगा, पीछे से देखने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो ललवा रहेगा ना, वो ऐसे करके पीछे की तरफ देखता हुआ चलता है, हमारी साइकिल में भी ऐसे ही बैठता है वो। हमें आप ये बड़ी वाली बत्ती पीछे लगा के दीजिए, हमें नहीं मालूम। चलिए लगा देंगे। हाँ ठीक है, हमारे पीछे। आपका जीना हराम कर दूंगा। अच्छा मैं बात बताइए, हमारे घर के पास एक लड़का रहता है, उसने भी लिया है एक वो स्कूटर, उसमें पीछे भी पहिया लगा है, हमें एक पहिया पीछे भी लगा के दीजिए आप। नहीं, वो स्कूटर में लगता है, इसमें नहीं लगता है। अच्छा इसमें हम कोई और पहिया लगा सकते हैं क्या? नहीं, हमारी बैलगाड़ी है, उसका पहिया बड़ा बड़ा है, तो ये तेज चलेगी शायद, बड़ा पहिया डाले। हम इसको चला के देखना चाहते हैं, हम कैसे चलाए इसको? इसको बैठना पड़ेगा आपको, चलेगी। हमको बैठना पड़ेगा? बैठिए, ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा बेटे। ओ बेटे मौज कर दी, हां मौज कर दी, वाह बेटे वाह। दोनों तरफ पैर करके बैठी है, दोनों तरफ पैर करके ऐसे तो ये खड़ी रह जाएगी, तो जाएगी नहीं। तो कैसे बैठी? इसमें आपको बैठना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरह आइटलस की तरह, साइकिल की तरह बैठना है। इसको हम सोचा इसकी गद्दी बहुत दमदार है, हम तो ऐसे बहुत दमदार है, हम ऐसे बैठ के नहीं चला सकते का? आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा, आप बैठ के देखिए। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, अब आप हमें इसको बाहर ले जा करके दीजिएगा, तब हम इसको चला के देखेंगे। बिल्कुल, आपको बाहर ले जा कर देंगे, फिर चलाइएगा आप इसको। ये जो भानु जी हैं, कह रहे हैं कि इनकी कोई रस्म होती है जब ये देते हैं मोटरसाइकिल को, तो हम जरा भानु जी के पास आए हैं। हाँ जी भानु जी, आइए सर। ये कहाँ है? ले लीजिए आपकी बाइक की चाबी। ये कहाँ है? ये आपकी बाइक की चाबी है। ये कहाँ घुसेगी? तो ये घुसेगी नहीं, दिखा के चलेगी है, दिखाएंगे नहीं, जब तक चलेगी नहीं इससे। तो अब ये घुसेगी भी तो कहीं पर, नहीं घुसेगी कहीं? नहीं, इसे घुसाने की जरूरत नहीं है, खाली दिखाना होता है इसे। अच्छा, बाइक को दिखा दिया, उसके बाद पहले आपने ये वाली दिखाई थी, अब आपने ये वाली दे दी। हम ये भी लेकर जाएंगे, लगवा पिलवा के देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, फिर मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।